बोलती शाखें नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री रेवण सिद्धैया रुद्रस्वामी मठ के कन्नड़ नाटक माताड़ुव कोंबेगळु का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक बोलती शाखें। कैसा है ये बरगद का वृक्ष? शिव जी की जटाओं की तरह हर शाखा से उतरी इसकी जटाएं जमीन के अंदर घुस गई हैं। कितना शांत और सुरम्य है ये स्थान। शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने इन वृक्षों के नीचे तपस्या की। पक्षी भी मेरी बात को अपने कलरव द्वारा सच साबित कर रहे हैं। ठीक है, आज इसी वृक्ष के नीचे बैठकर मैं कविता लिखूंगी। सूरज को उस दिन पश्चिम के निगल जाने पर हैरान व परेशान हो कविता तुम यहाँ बैठी हो? क्या भूल गई कि आज नाटक की रिहर्सल है? अरे हाँ, अच्छा किया आपने याद दिला दी। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। सेनापति जी, आज सुबह जब मैं घूमने निकली तो यहीं पर बैठ गई और कविता लिखने लगी। अच्छा, फिर घर जाकर टिफिन आदि लेकर स्कूल कब आओगी? मैं सोचती हूँ कि आज यहीं बरगद के नीचे नाटक की रिहर्सल करें। क्या क्या कहा? इस वृक्ष के नीचे? आप तो जानते ही हैं, अपने स्कूल में जरा सी हारमोनियम की आवाज निकली तो गली मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कितनी डिस्टर्बेंस होती है वहां। प्लीज आप नाटक के बच्चों को आज यहीं ले आइए ना। हाय, कितनी शांति है यहाँ पर। और तब तक तुम यहाँ बैठकर कविता लिखोगी? हाँ, मुझे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पढ़ने के लिए कविता लिखनी है। जरा ध्यान से इस पेड़ को देखिए। हरे हरे पत्ते, केसरी रंग के ये फल और हर शाखा से उतरी ये श्वेत जटाएं, इन्हें देखकर तिरंगे का स्मरण हो आता है ना। इसीलिए चाहती हूँ कि यहीं पर बैठकर एक कविता लिख डालूं। अरे तुम तो स्वयं कविता हो, तुम्हें कविता लिखने की क्या जरूरत है? अपने जीवन को काव्य बनाने के लिए मुझे कविता लिखनी होगी। अच्छा वही लिखो, खूब लिखो। अच्छा मैं चलता हूँ ताकि नाटक की रिहर्सल के लिए बच्चों को यहाँ ले आऊँ। ठीक है। और वो तुम्हारा टिफिन भी? दो इडली वड़ा बस। लाओगे ना? हाँ हाँ जरूर लाऊंगा। सेनापति जी, आते हुए आज का अखबार भी लेते आइएगा। हाँ हाँ सब लेता आऊंगा, चिंता नहीं करो। क्या लिखा था? सूरज को उस दिन पश्चिम के निगल जाने पर हैरान व परेशान हो आस के कौर निगलते जी रहे थे हम। ठीक है। उठते गिरते चल रहे थे डूबे सूरज के फिर से उगने की आस पर। उदय गिरी पर रवि के निकल आने पर थकान से सो चुके थे हम। एक दूसरे के खर्राटे गूंज रहे थे। अब जागना होगा। मित्रों,
अब जागना होगा। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी फाइन। कौन? चार, चार, भारत सुंदर, अति सुंदर। खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, क्या शायरी है, शाबाश। सूक्ति कविता, एरु भवम, एरु भवम। जागना होगा मित्रों, अब जागना होगा। कौन कौन हो तुम? बोलने वाले हम हैं, इस वृक्ष की शाखें, डालियां, ब्रांचेस। शाखें? तो क्या वृक्ष की शाखों में मुझी बाधी होती है? शाखाएं बोलती हैं, इस पर कौन विश्वास करेगा? निर्जीव तार बोलते हैं ना, फोन, टीवी, रेडियो आदि के मुजीब होती है क्या? उन पर जैसा विश्वास करते हो, वैसा ही विश्वास इस पर भी करना होगा। नहीं नहीं, तुम वृक्ष नहीं, कोई धोखेबाज लगते हो। क्या मैं धोखेबाज हूँ? तो तुम? मैं क्या? हाँ हाँ, तुम ही। मैं कविता हूँ। कविता? पर कविता है कहाँ? तुम अपने चर्म की ओढ़नी खोलकर देखो तो, वहां पर सेनापति की धड़कन से भरे हृदय के सिवा है ही क्या? ये झूठ है, ये झूठ? क्या हमारा कहना झूठ है? कसम खा के कहो कि वो तुम्हारे हृदय में बस गया है या नहीं? वो तुम्हारी जाति पंथ का नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन डावाडोल स्थिति में है। हाँ, पर सुनो, सेनापति के चर्म की ओढ़नी खोलकर देखो तो भी यही दिखाई देगा कि उसके शरीर में सेनापति है ही नहीं, उसके भीतर घर बसाया है केवल तुमने। तुम नारी, वो नर, बस। क्या कहा? सेनापति में सेनापति नहीं, मुझ में मैं नहीं, तो फिर हम में है क्या? तुम में है विश्व का चैतन्य, ममता, वात्सल्य, प्रेम, विश्व की जीव नाड़ी, मानव कुल का संजीवन रस। तुम जड़ होकर ऋषियों की तरह बोल रहे हो, मुझे मुझे बहुत अचरज हो रहा है। कविता, मैं जड़ नहीं हूं, मैं हूं तुम्हारे इतिहास का भारवाहक। मेरी हर शाखा पर अंकुरित ये हरे भरे पत्ते तुम्हारे इतिहास के अलग अलग पृष्ठ हैं। मेरे इतिहास के पृष्ठ हैं ये पत्ते? हाँ, बहुत दिन पहले तुम अपने पति को खो देने पर यहीं आई थी, अंधमूर्ता के वश जब तब आज तक इसी वृक्ष के नीचे आया करती हो। क्यों, ठीक है ना? और आज जाति पंथ की दीवारों के उस पार रहने वाले पिया के लिए सर पटक रही हो। क्या उसके तुम्हारे बीच जो जात की खाई है उसे लांघने की शक्ति है? तुम तो अंधों के हाथों की कठपुतली हो, कभी से हर काल में। अब कहो, क्या मैं जड़ हूं? ये कैसा चमत्कार है, ये कैसे विश्वास करूं कि ये वृक्ष बोल रहा है? ये भूत तो है नहीं, ये तो ऋषि मुनियों की तरह बातें कर रहा है। हाय भगवान, जाने क्यों पसीना छूट रहा है मेरा, डर के मारे तो ऐसा नहीं हो रहा कहीं? ऐसा लगता है जैसे पांव में
शक्ति नहीं है। आंखें बंद हो रही है मेरी, गिर पड़ूंगी मैं। कोई है कोई जो मुझे सहारा दे, मुझे थाम ले। अपनी मैडम को उठाओ तो। yes. कविता लिखते लिखते सो गई है शायद, जाओ। यस मैम। मैडम उठिए, मैडम मैडम उठिए। मैडम मैडम जागिए मैडम। अरे क्या हुआ तुम्हारी मैडम को, इतना पुकारने पर भी नहीं उठती। कविता कविता उठो कविता, देखो नाटक के सभी बच्चे आ गए हैं है? अरे ये तो बेहोश है। कोई सुनो, कोई बच्चा जल्दी से मुंह पर पानी ला के छिड़को, जल्दी लाओ। ए रवि, अरे मिर्जा वाटर बैग कौन लाया है, पानी छिड़को ना जल्दी। ये ला पानी। लाओ मुझे दो। कविता 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 उठो कविता। कविता आंखें खोलो। अरे तुम सब लोग कब आए, क्या हुआ था मैडम आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है ना मैडम। सुनो पहले तुम सब मिलकर रिहर्सल करो, बाद में बताऊंगी क्या हुआ था। तुम्हें क्या हुआ था कविता, होश क्यों खो बैठी। पहले आप इन बच्चों को उधर भेज दीजिए, मैं बताऊंगी सब। बच्चों सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारी मैडम की तबीयत ठीक नहीं है हा? वो थोड़ा सा नाश्ता लेकर अभी आती है, और तब तक तुम लोग एक काम करो, तुम सब वो नांदी पाठ की प्रैक्टिस करो, जाओ चलो। और देखो तुम लोग वो उस शाखा के नीचे बैठ जाओ वहाँ पर है। कौन सा गीत था, वही ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ 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 वही सारे जहाँ से अच्छा, जाओ आप लोग उधर जाके प्रैक्टिस करो, चलो उधर। कविता ये रहा तुम्हारा टिफिन, चलो पहले जल्दी से कुछ खा लो, और ये रहा न्यूज़पेपर, हाँ तुमने लाने को कहा था ना, लो ये भी पकड़ो। प्लीज जरा आप ही हेडलाइन पढ़कर सुनाइए ना, मैं नाश्ता करते हुए हेडलाइन तो सुन ही सकती हूँ। देखो पेपर सुनना बाद में, पहले ये बताओ कि तुम मूर्छित कैसे हो गई थी। अगर मैं कुछ ऐसी वैसी खबर सुनाऊं तो क्या उस पर विश्वास करोगे। तुम्हारे कहने पर मैं विश्वास क्यों नहीं करूंगा। करोगे ना, मुझ पर भरोसा नहीं क्या। अब तुम मुझे चाहते हो, ये सच है ना। यस क्यों, क्या कोई शक है। नहीं नहीं यही तो, यही सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। पर सुना कैसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये तो मैंने किसी को नहीं बताया, और ना ही मैंने कोई लव लेटर लिखा। कहीं तुम्हें मेघदूत ने तो संदेश नहीं दिया जिसे सुनकर तुम मूर्छित हो गई। और अगर मैं ये कहूँ कि भूत बनकर आपने ही मुझसे ये सब कहा है तो क्या आप मानेंगे। ना बिल्कुल नहीं। तब तो मैं जो कहूंगी उस पर आप विश्वास करेंगे, इतना मुझे यकीन है। पर अब हम दोनों के प्रेम की बात तो सुनाई किसने। ए, कहीं स्वप्न तो नहीं देखा। नहीं बाबा मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा। जानते हो प्रत्यक्ष इस वृक्षराज ने उस प्रेम की बात कही है। हाँ बोलो, विश्वास है आपको। क्या कहा, इस वृक्षराज ने। हाँ यही यही बरगद का वृक्ष, इसकी हर शाखा जैसे जीभ रखती है, बातें करती है। ये शाखाएं विभिन्न भाषाएं बोलती हैं और बहुत देर तक ये मुझसे बातें करती रही। और आपके और मेरे मन में जो हलचल मची हुई है वो सब इन शाखाओं ने स्पष्ट बताई। What a fantastic news! मैंने कहा था ना आप विश्वास नहीं करेंगे। Beautiful, fine, very fine. अच्छा अच्छा छोड़ो इस बात को, लो पहले नाश्ता कर लो, फिर हम लोगों को रिहर्सल भी करनी है। हाँ
नहीं आया ना विश्वास आपको? आप ही क्यों, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वृक्ष बोल सकता है। और छोड़ो, चलो आज के न्यूज की हेडलाइंस तो पढ़ दीजिए। पंजाब में हत्याकांड, अहमदाबाद में सांप्रदायिक दंगे, घूसखोरी के आरोप में 5 अधिकारी गिरफ्तार, दिल्ली में दिन दहाड़े बैंक में डकैती, दहेज ना दे पाने से जहर खाकर आत्महत्या, अशिक्षा देश का कलंक, माननीय शिक्षा मंत्री का शिक्षकों की सभा में भाषण। आडंबर है ये मानव, ये नाटक है, नाटक, शुद्ध नाटक है ये मानव। क्या ड्रामा है, वाह वाह वाह, क्या शान नाटक है। ऑस्कर वाले, गुड प्ले, वाह वाह, कन्हैया नाटक है। चाका बमंदी, चाल बमंदी, कन्हैया माता है ना, बढ़िया नाटक, क्या वो तुम नर नाटक है। सेनापति जी, सुना आपने, अब क्या कहना है आपका? अब तो यकीन हुआ ना कि केवल वृक्ष नहीं, शाखाएं भी बोलती हैं। नहीं नहीं, ये वृक्ष नहीं, लगता है यहाँ अवश्य भूत पिशाचों का निवास है। अरे श्याम, सुरेश, नहीं नहीं, ये रवि, चलो चलो यहाँ से, ये स्थान मनुष्यों के रहने का नहीं है, चलो चलो यहाँ से। नाना नहीं, आप मुझे ऐसे ना करिए नाना। अरे अरे बच्चे, अरे तुम भागो मत, चले जाओ, ये भूत नहीं है, ये सेनापति जी। क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? नहीं, शायद उसी वृक्ष की खबर होगी। हाँ, उस पेपर वाले को बुलाइए तो सर। हाँ, अरे पेपर वाले भैया, एक पेपर हमें भी दे जाओ। ये लो पेपर, पढ़िए तो, पेपर ने क्या न्यूज दी है? नगर में बोलता वृक्ष, ऐसी जानकारी मिली है कि नगर में स्थित एक पुराना बरगद का वृक्ष बातें करता है। उसकी विभिन्न शाखाएं भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती हैं। पत्रकारों को दिए गए साक्षात्कार में एक अध्यापिका ने उक्त बातें बताई। कविता, तुमने पत्रकारों को और क्या क्या बताया? पत्रकारों ने क्या पूछा और मैंने क्या उत्तर दिया, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। ये पिछले पृष्ठ पर क्या लिखा है? बोलती शाखों के बारे में विज्ञान संघ का मत। विज्ञान संघ का मत, इस संसार में सामान्यतः आज तक किसी वृक्ष ने मनुष्य की तरह बात नहीं की, लेकिन अध्यापिका कविता और व्यायाम शिक्षक सेनापति तथा कुछ छात्रों ने यदि उसकी बातें सुनी हो और वो सच हो तो संभव है किसी शत्रु राष्ट्र ने कंप्यूटर द्वारा इन शाखाओं से ध्वनि निर्माण कर बात की होगी। बेकार की। आगे तो पढ़िए क्या लिखा है। बात करने वाले ने वृक्ष की सहायता से स्टे किया होगा। हमारा कहना है कि इस दिशा में जांच पड़ताल की जाए, संभव है शुक्र ग्रह का मानव ही इसके पीछे हो। करेक्ट, यही संभव है। क्या बात करती हो सेनापति जी, मेरे और आपके मन में जो है उसने हूबहू बता दिया था। क्या कहा उसने? यही कि मेरे और आपके बीच जाति की जो घाटी है उसे लांघने के लिए छलांग लगाने की शक्ति क्या आप में है? हाँ, यही प्रश्न था उसका, और तभी मेरा सर चकराया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। क्यों, किस सोच में डूब गए? क्या कहा? नहीं, वो मेरा ध्यान नाटक के बच्चों की ओर था, अभी तक वो लोग रिहर्सल के लिए नहीं आए ना। अरे हाँ, 9:30 बज गए हैं, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो छुट्टी होने पर ही रिहर्सल करनी पड़ेगी। अब तो शो का दिन भी बहुत करीब आ गया है। हाँ, वही तो। ए, कविता, सुनो तुम, ये बाहर कुछ शोर सा है। अरे हाँ, ये मिर्जा, किन किन में झगड़ा हो गया? मैडम, अलग अलग भाषा के अलग अलग जाति के लोगों में। मैडम, एक पार्टी के लोग कहते हैं कि वो जहर हमारी भाषा में बोलता है, तो दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो हमारी भाषा में बोलता है, बस यही है झगड़ा। बोलती नहीं है,
क्या बहुत गड़बड़ है रवि? हाँ मैडम, पहले किसी एक पार्टी के लोगों ने उस वृक्ष पर अपना झंडा लगाया, बाद में उसको उखाड़ कर दूसरी पार्टी वाले लोगों ने अपना झंडा लगा दिया, बस झगड़ा शुरू हो गया। मैडम, इन लोगों ने सरकारी बस पर पत्थर फेंके, शीशे चकनाचूर कर दिए, रोड पर बिजली खंभों के सारे बल्ब फोड़ दिए, दुकानों में घुसकर आग लगा दी। चुप हो जा रवि, जाहिल लोगों की मूर्खता पर हम छोटे बच्चों के रोने से क्या होगा। मिर्जा मिर्जा, रवि को समझाते समझाते तुम भी रोने लगे। मैडम मैडम, आप जो किताबों से पढ़ाती हैं वो इस दुनिया में नहीं है, यही देखकर हमें रोना आता है। शांति का अर्थ परीक्षा में क्या लिखूंगा इसलिए रो रहा हूँ। बुद्ध, बसाओ, गांधी जी ने जो अहिंसा की बात कही उसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, इसी का तो रोना है। बस रवि मिर्जा, अब रोना बंद करो। और शाबाश, चुप हो जाओ, शाबाश। लोगों ने मुझे बरगद से क्यों बांध रखा है? कारों, जीपों, स्कूटरों और साइकिलों पर सवार ये लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं जैसे चोर को देख रहे हैं? इन्हें कहीं मेरे और सेनापति के संबंधों का तो पता नहीं चल गया? आप लोगों ने मुझे वृक्ष से क्यों बांध रखा है और वो मेरे चारों ओर ये भीड़ क्यों लगा रखी है? एक नारी पर आपको तनिक भी दया नहीं आती? अरे वारी नारी, तुम्हीं ने तो इन बोलती शाखाओं के बारे में बताकर हमारे मनों में इनके प्रति उत्सुकता पैदा की है। हाँ, और उल्टा हमसे शिकायत कर रही है कि हमने तुम्हें बांध दिया। ये तो ऐसी बात हुई कि खोटी पर टोपी टांग कर ये कहना कि खोटी ने टोपी पहन ली। इन बोलती शाखाओं से आप लोग आकर्षित हुए तो मैं क्या करूं? बोलिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कविता लिखनी है। एक शर्त पर हम तुम्हारी बंदी रस्सी खोल सकते हैं। क्या शर्त है? तुम्हें ये बताना होगा कि ये वृक्ष किस जाति का है, इसका धर्म क्या है। तुम्हें बताना होगा इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है। बताना होगा इसका धर्म क्या है। मुझे तो उसने कभी अपना धर्म नहीं बताया, और शाखाएं तो विभिन्न भाषाएं बोलती हैं, तब मैं कैसे कहूँ कि ये वृक्ष अमुक जाति का है, अमुक शाखा अमुक भाषा की है? नगर अध्यक्ष, आप हमारी जाति और भाषा के अनुसार इन शाखाओं को बांट दें। जिन जिन भाषाओं में ये शाखाएं बोलती हैं, उन्हें उन उन भाषा वालों में बांट दीजिए। इतना भी नहीं जानते कि इस वृक्ष की अनेक शाखाएं होने पर भी इसकी जड़ें सबको समानता से सत्व प्रदान करती हैं। शाखाएं क्या आपस में भेदभाव रखती हैं? मनुष्य होकर यदि हम भेदभाव से शाखाओं को बांटें तो हम जानवरों से भी बदतर होंगे। मेरी जड़ें धसी हैं एक ही जमीन में, मेरे ऊपर फैला आकाश एक ही है, प्रत्येक शाखा को पत्ते पत्ते को झकझोर कर हिलाने वाली हवा भी एक ही है। घबराइए नहीं आप लोग, ये वृक्ष कुछ नहीं करेगा। जरा शांत हो जाइए, मैं इस वृक्ष से इसका धर्म, जाति, इसकी राष्ट्रीयता क्या है पूछती हूँ। सज्जनों, मैं और मेरी शाखाएं किसी और ग्रह या उपग्रह के निवासी नहीं हैं, हम यहीं के हैं, इस नगर के नागरिक और शुद्ध भारतीय। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषा हिंदुस्तानी है, भारत की सभी भाषाएं हिंदुस्तान की हैं। हम एक रहकर जिए और एक रहकर मरे। क्या कहा?
तुम सभी मर चुके हो? बिल्कुल हाल ही में। लेकिन क्यों मरे और कैसे मरे? जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए। अंग्रेज सरकार को भारत छोड़ो कहते और आंदोलन करते हुए भारत की स्वाधीनता के लिए हमने स्वयं को समर्पित कर दिया। हमने संघर्ष किया, इसलिए अंग्रेज सरकार ने हमें इस बरगद की शाखाओं पर टांग दिया और हमने अपने प्राण खो दिए। शांतम पापम, शांतम पापम। तुम सब मरे नहीं हो, आत्मार्पण किया है। ये मौत नहीं, तभी तो तुम लोग बोल सकते हो। मृतकों की जीभ भला कैसे बोल सकेगी? तुम कुछ और कहना चाहते हो? हाँ, आज तुम लोगों ने अपने जीवन में भाषा भाषा के बीच, जाति जाति के बीच संकुचित भावना की जो दीवारें खड़ी की हैं और कर रहे हो, ये देखकर हमें बड़ा दुख होता है। हमने बातें नहीं की, बल्कि ये हमारी आंखों से टपके आंसुओं के शब्द थे। आप लोगों ने समझा हम बोलते हैं, यही ना? इस बरगद के नीचे सम्मिलित समस्त जनों, अब बतलाइए, शाखों से टपके आंसुओं के शब्द सुनकर आप सब निशब्द क्यों हो गए? बोलिए, कुछ तो बोलिए। इनका मौन रहना साक्षी है कि इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बोलती शाखें नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री रेवण सिद्धैया रुद्रस्वामी मठ के कन्नड़ नाटक मातारो कोम्बेगलु का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवादक थे श्री केशव महागांवकर, निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक लालता प्रसाद गुप्त। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम मैनी, वीना होरा, अभय भार्गव, मनुजा वर्मा, सिद्धार्थ नौटियाल, सुम्मी, सारिका सक्सेना, निधि पंजानी, बीएस भटनागर, ओपी राय, प्राणवीर प्राण, कीमती लाल चड्ढा, कारी मोहम्मद इलियास, राकेश सूरी और राजेंद्र वर्मा।